सर, मैं आपसे एक बहुत सामने देखा हुआ घटना मैं बताना चाहूँगा। मैं सर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरे गांव में एक मुस्लिम फैमिली था, वहाँ पे एक आदमी के लगभग 6-7 बच्चे थे। सर सर उसमें से एक जो छोटा वाला था, वो लड़का था। सर जब वो जन्म लिया, उसके बाद उसकी माँ एक्सपायर कर गई। पिता थे वो दिल्ली में दूसरी शादी कर लिए, बच्चों से कोई वो नहीं था। फिर जो उसके घर के लोग थे, वो बच्चों को मतलब देखभाल करना बंद कर दिए। बच्चा ठंडी में ऐसा हुआ कि उसको जॉन्डिस हुआ, फिर वो पैरालाइज हुआ, एक्सपायर कर गया। गाँव के लोग मतलब कोई भी उससे बिलोंग नहीं किए। फिर मैंने अपनी फैमिली में बोला कि आखिर उसको क्यों नहीं हम लोग सपोर्ट कर सकते। सबने ये बोला कि वो दूसरे कास्ट से है। मैंने बोला कि ये सब ढोंग है। फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे, वो बोले कि भाई अगर तुम इसको ढोंग मानते हो तो तुम एक ब्राह्मण परिवार से हो, तुम अपना जनेऊ तोड़ के फेंक दो। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं हम उसको सपोर्ट कर सकते। ये सवाल तो भैया पूरे देश के सामने है, क्यों नहीं हम, क्यों हम जाति के आधार पर अपने आप को बांटे हुए हैं। सर आपने अभी रिजर्वेशन पे थोड़ा सा अपना सुझाव दिया। सर मैं रिजर्वेशन पे थोड़ा सा अपना सा सुझाव देना चाहूँगा। आखिर हम सब मिलके क्यों नहीं सबको आगे बढ़ाना चाहते। हम सब ये क्यों सोचते हैं कि अगर रिजर्वेशन है तभी हम उसके बल पे आगे बढ़ेंगे, या फिर हम जनरल से हैं तो हम अपने मेहनत पे सिर्फ अपना विकास करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम पूरे समाज का इक्वल सब मिलके डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं सर। इसका जवाब एक ही है, क्योंकि हम लोग इतने सैकड़ों वर्षों की गुलामी में रहे, इतना कुछ सहा, उसके कारण से हम लोग से केवल मेरा क्या, मेरे परिवार का क्या, मेरी जाति का क्या, वहां तक सिमट के रह गए हैं। हम कहने वाले लोग समाज में कितने मिलते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मैंने ये किया, मैं ये करूंगी, मैं ये हूंगा, मुझे ये बनना है, मुझे अपने परिवार का ये करना है। हम लोग उसमें स्वार्थ में घुस गए, इसलिए हमने ये नहीं किया, इसलिए आपकी जो पीड़ा है ये आपको नज़र आ रही है। दूसरा बात आपका, हम ये कहेंगे, आप जो कह रहे हैं कि मैं अकेला पड़ गया, काम तो भैया अकेला ही करता है। आप अगर अकेले उस गांव में अपनी ब्राह्मण जाति से लड़ पड़ते और आप में अपनी हिम्मत दिखाते, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते, आपको जाति के बाहर कर देते। आप अपना कोशिश करेंगे तो एक अकेला ही चल सकता है, अकेला आदमी बदल सकता है। आप लोग अगर सब लोग लगेंगे तो इसका हल निकलेगा ज़रूर। पर हम लोग हमेशा सोच लेते हैं कि इस शो में सुभाष चंद्र से बात करो, शायद वो ठीक कर दे या कोई और ठीक कर दे। हम नहीं करना चाहते खुद, हम दूसरे से चाहते हैं कि वो दूसरा कोई आके कर दे। जब तक ये बात समाज में रहेगी, हम खुद अपना कदम एक आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये समाज में जो ऐसी चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। सर मैं उसी पर्सन का आंसर देना चाहती हूँ, रिजर्वेशन वन। सर एक 4 पंक्तियाँ हैं बस उसके लिए, शायद वो समझ जाएगा। विचार लो कि मृत्यु होना, आई एम ऑल्सो शर्मा बट स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो जो आपने कहा कि जनेऊ तोड़ने के लिए, तो वो जनेऊ आप तोड़ सकते थे अगर आपको सच्ची में पीड़ा थी। अगर इफ यू डोंट बिलीव इन दैट कास्टिज्म, यू कैन ब्रेक दैट। तो इसके लिए मैं, और इनिशिएशन एक पर्सन से होता है, जैसे कि सर ने बोला नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किया, पूरी पब्लिक आज उनके साथ है। तो 4 पंक्तियों के साथ मैं इसमें बोलना चाहूंगी, विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। I'm really happy. I would like you to come here. Stand with me. Yes. आशिमा शर्मा, आशिमा देखिए मेरा
आज मैं दर्शकों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जो घर में बैठ के ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मेरा भी ऐसा मानना है कि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि इंसान के भी कई कई रूप से उसको जाना जाता है। जो आदमी, जैसे अगर मान लो मैं केवल खुद से बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ, अपने ऊपर बात सोचता हूँ, तो उसको हमारे शास्त्रों ने कहा इट्स ए मिनरल ह्यूमन बीइंग, यानी जिसमें कोई जान नहीं है, मिनरल ह्यूमन बीइंग उसको कहा गया। जब मैं थोड़ा सा अपना दायरा अपने से हटा के अपने परिवार के ऊपर ले जाता हूँ, बाकी और किसी की परवाह नहीं करता, तो उसको इंसान को कहा गया वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग। तीसरा, इंसान जिसने ये सोचा कि चलो मैं अपने समाज या अपनी जाति या अपनी शहर या उसको वहाँ तक चला गया, उसकी सोच बढ़ाई, उसको कहा गया एनिमल ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एवोल्यूशन इंसान का हुआ, उस एवोल्यूशन में जो इंसान सोचे कि सबका भला हो, पूरे इंसानों का भला हो, पूरे देश के वर्ल्ड के लोगों का भला हो, उसको ह्यूमन ह्यूमन बीइंग कहा गया। और उससे बड़ी ऊपर अवस्था आई जिसको बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग कहा गया, उसको जो मनुष्यों की नहीं, एवरी बीइंग की, वो चाहे वेजिटेबल हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई हो, सबका भला चाहता, जो कि मैं समझता हूँ हमारे इस देश की संस्कृति है कि सबका कल्याण हो। तो आप इसके, आपने जो बात कही, ये कहाँ तक आप समझती हैं कि आज के युग में प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकलनेस हर किसी में होती है सर, प्रैक्टिकल इज एवरीवन, बिकॉज ये ऐसा टाइम है कि वी शुड बी प्रैक्टिकल, बट समटाइम्स इट कम्स अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, तब हमें समझना, सोचना पड़ता है कि येस वी हैव टू गो फॉर दैट इंसिडेंट, कि हमें उसके लिए इमोशनल होना चाहिए। जो मेरी लाइन्स थी कि मनुष्य मनुष्य को समझे, चाहे वो इंसान कोई भी जाति हो, मीन्स चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कास्टिज्म छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो पहली बात। बट द थिंग इज दैट कि वी हैव टू थिंक फॉर अदर पर्सन, हम अपने बारे में तो सोचते हैं बट हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपसे और सवाल पूछता हूँ, दूसरी जाति का एक आदमी आके आपको थप्पड़ मारता है, इसलिए मारता है कि आप उसकी जाति की विश्वास नहीं करते हो, कुछ करते हो, उसमें आप क्या करोगे, उस स्थिति में क्या करोगे? अगर वो सही है, मेरा मानना यह है कि अगर वो सही है, अगर मैंने सही में उसके कास्ट का विरोध किया है और मैं गलत हूँ उस पॉइंट पे, और अगर वो मुझे मारता है तो आई शुड एक्सेप्ट दैट। बट आज के ज़माने में मैं उसको मार दूंगी उल्टा कि हाँ ठीक है, बट उसको एक्सेप्ट करना, वो पर्सन टू पर्सन सर डिपेंड करता है कि उसकी मेंटालिटी क्या है, वो पर्सन बेयर कर सकता है उस चीज़ को या नहीं कर सकता। अगर मेरे को समझ आ गई उसकी बात कि हाँ ही वॉज राइट और शी वॉज राइट, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। विद दैट थैंक यू वेरी मच कमिंग ऑन DSC शो, ऑल द बेस्ट। यस सर, आई वुड लाइक टू से दैट टुडेज जनरेशन इज क्वाइट क्विक टेम्पर्ड, दे गेट प्रोवोक्ड वेरी इजिली, द सिचुएशन समटाइम्स बिकम दैट द चाइल्ड और द यंगस्टर मेक एन सुसाइड अटेम्प्ट, सो शुड आर डायरेक्ट नो शुड बी अ वे आउट और सम इफेक्टिव वेज ऑफ सेइंग नो शुड बी यूज्ड? देयर आर मेनी वेज। अगर मेरे को मेरा बेटा या बेटी को इस बात को पूछते हैं और मुझे ना करना है, तो मैं उनको कहूँगा शायद कि मैं उनको कहूँगा कि there is another way to look at it, why don't you look at this way and then decide for yourself. Maine na bhi nahi kaha lekin na keh bhi diya, so the situation and that's a honest reply to as a father, kyunki zindagi mein har cheez ko dekhne ke alag alag nazariye hote hain aur hone chahiye, har cheez ka alag pehlu hota hai, lekin ye hai ki hum log dekhna nahi chahte usko, इसलिए समस्या आती। माय इफ यू एज ए यंगस्टर, जैसे आपने कहा कि यूथ इज़ वेरी इम्पेशेंट, दे डोंट वांट टू हियर नो एट्सेट्रा, मुझे भी तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो देखा है कि आजकल की पीढ़ी, आप लोग माफ़ करना मुझे जैसे गुस्सा हो गए आप, लेकिन बहुत ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है वो उसको, उनको ना करो अच्छा ठीक है, वो करके बैठ जाते हैं, बल्कि मैं उनसे कहता हूं कि आप ना का जवाब उल्टा पूछते क्यों नहीं हो, व्हाई योर क्यूरियोसिटी इज नॉट देयर,
क्योंकि जब कई बार हमारे पास नॉलेज की कमी होती है और हम दूसरे किसी से पूछते हैं, उसको सोचते हैं कि ये नॉलेजेबल आदमी है या नॉलेजेबल औरत है, हम उनसे पूछ के उनकी गलत बात को भी स्वीकार करके बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से डर लगता है, कोशिश करने से। आप सवाल पूछना लोगों ने बंद कर दिया है, व्हाई नॉट।